अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आचार्य श्री तुलसी ब्लड फाउंडेशन के तत्वाधान में आज महिला रक्तदान शिविर का महा आयोजन। नगर महिला अध्यक्ष पूर्णिमा मेहता ने कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बताते हुए साज सज्जा, रंगोली, अतिथि सत्कार, बैनर होर्डिंग, प्रशस्ति पत्र, रजिस्ट्रेशन, उपहार आदि के लिए सदस्यों की टीमें बनाकर उनके कार्यों का आवंटन किया। चित्तौड़गढ़ में अब तक 275 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, आगे और 350 महिलाओं के रजिस्ट्रेशन होने की संभावना है। यह शिविर प्रातः 10 से 2 बजे तक होगा और शिविर की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। शिविर का शुभारंभ 10 बजे जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत, महावीर इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन और मीना चौरडिया द्वारा किया जाएगा। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। मैडम, आप किस प्रकार से ये आयोजन कर रहे हैं और कितने साल हो गए आपको करते? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आचार्य तुलसी ब्लड फाउंडेशन प्रति वर्ष 8 मार्च के अवसर पर महिला शिविर का आयोजन करता आया है, लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा 8 मार्च को छुट्टी होने की वजह से हम 5 मार्च को इस शिविर का आयोजन कर रहे हैं। पिछले 2016 से हमने महिला रक्तदान कैंप की शुरुआत की है और अभी 2023 है और इस वक्त भी हम हमेशा की तरह रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। आगे क्या प्रोग्राम है? अभी जो आप कर रहे हैं 5 मार्च का कार्यक्रम, कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और आगे क्या कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है? कौन अतिथि पधारने वाले हैं? हमारे इस कैंप के अतिथि आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय अरविंद जी पोसवाल सर और IPS हमारे राजेंद्र भूषण सर, साथ ही महावीर इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष CA अनिल जी जैन, ये हमारे विशिष्ट अतिथि रहेंगे। और इसके साथ ही जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात है, पिछली बार हमारा लगभग 650 रजिस्ट्रेशन हुए थे और उसमें 339 महिलाओं ने चित्तौड़गढ़ और निमाड़ा दोनों जगह रक्तदान किया था और अभी लगभग